अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो एक छोटे से खून के नाली के ज़रिए बड़े बड़े प्रोसीजर्स करते हैं। आजकल के जदीद दौर के अंदर सर्जरी की जगह एक बहुत सारे नए प्रोसीजर्स हैं जो आप हम एक खून की नाली के ज़रिए करते हैं। मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ रियाद किंग अब्दुल्जी मेडिकल सिटी, नेशनल गार्ड हेल्थ अफेयर्स, जो मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेटअप है और वहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े प्रोसीजर्स होते हैं। और मैं पाकिस्तान के अंदर हफ्ते में एक हफ्ता प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें मैं हमीर लतीफ़ में 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे हमने बहुत सारे नई सर्विसेज डेवलप की हमीर लतीफ़ के अंदर, जिसके अंदर एक यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन है, वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन है, इसके अलावा वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन है, डायलिसिस एक्सेस केयर है, लीवर कैंसर ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, टिप्स हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए, और ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं होते, वो हम नई नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम जो है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन जो है, हमारे फाइब्रॉइड जो है हमारे माशरे का एक बड़ा कॉमन मसला है ख्वातीन के अंदर। वो ख्वातीन जिनको बहुत लंबी माहवारी होती है, पेनफुल माहवारी होती है, और उनको पेन मेंसेस के दरमियान जो उनको दर्द हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें उन ख्वातीन के अंदर ये सिम्टम्स होते हैं, और उनकी जो वजह निकलती है वो फाइब्रॉइड्स होती हैं। फाइब्रॉइड्स जो हैं उसका एक आमतौर पे एक तासुर है कि फाइब्रॉइड्स हो तो उसको सर्जरी कर दी जाए या उसको यूट्रस को बच्चेदानी से पूरा निकाल दिया जाए बॉडी से। जो हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, ये गुज़त लास्ट 10 साल के अंदर दुनिया के अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन बहुत तेज़ी से मकबूल हो रही है, और हमने गुज़त 2 साल के अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन को हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमने इसको पब्लिसाइज किया है कि सेव योर यूट्रस, आप अपने बच्चेदानी को महफूज करें और सिर्फ फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन की तरफ जाएं। अपना आपका यूट्रस जो है अपनी जगह पर रहेगा, सिर्फ आपका फाइब्रॉइड जो है वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। और इसके अंदर जो है लोगों की खासतौर पर वो लड़कियों का वो ग्रुप जो शादीशुदा नहीं होती हैं और उनके फाइब्रॉइड्स होती हैं, अगर उनका यूट्रस निकल जाएगा तो वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनकी होल लाइफ जो है उसको डिस्टर्ब करेगी। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन जो है एक मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, जो सिर्फ एक खून की नाली के जरिए हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरीके से वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन है, आमतौर पर लड़कों के अंदर उनके टेस्टिस के अंदर उनके खून के गुच्छे होते हैं, हम सर्जरी नहीं करते बल्कि सिर्फ एक राइट ब्रेकियल वेन से जाके उनके कॉइल्स कर देते हैं और उनसे उनको फ़ायदा होता है। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर डायलिसिस एक्सेस केयर एक बहुत बड़ा मसला है। लोगों की फिस्टूला बनते हैं और फिस्टूला जो होते हैं बंद हो जाते हैं, और एक आप एक पेशेंट जो एक नया फिस्टूला बना रहा होता है, अगर आपका फिस्टूला बंद हो गया तो फिस्टूला खुल सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर वो जो फिस्टूलाज हैं वो तकरीबन 10 से 15 साल जो है आपके फिस्टूला चल सकते हैं अगर आप उसको मेंटेन करें और उसको खुलवाते रहें। इसी तरीके से टिप्स एक बहुत एक ऐसा प्रोसीजर है, वो लोग जिनको जिगर की बीमारी है, हेपेटाइटिस बी से सी से, या उनको उनके जिगर सिकुड़ जाता है जिसमें सिरोसिस कहते हैं, जिसमें पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर उनके पेट के अंदर पानी भरता है या उनके उनके खून की मतलियाँ आती हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो होता है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है। अगर लिवर ट्रांसप्लांट में आपका टाइम है या आपका लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, तो एटलीस्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, जिससे आपका आपके पेट में पानी ख़त्म हो जाए या आपकी खून की मतलियाँ ख़त्म हो जाएँ, हम एक टिप्स प्रोसीजर करते हैं जिसमें 2 वेन्स को कनेक्ट करते हैं और उसमें स्टेंट डालते हैं ताकि उसका खून की गर्दिश जो है वो इम्प्रूव कर सके। इसी तरीके से एक बच्चों के अंदर एक होता है वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन होते हैं, एनोमलीज होती हैं, बच्चों के पैदा होते हैं तो उनके खून मुंह में गुच्छे होते हैं या उनके लिप्स में गुच्छे होते हैं या उनका मुंह लिप्स होता है सूजा होता है या उनके टांगों में या बॉडी के अंदर उनके गुच्छे होते हैं। तो आमतौर पर पाकिस्तान में ये चीज़ें ये नई ट्रीटमेंट थी, लेकिन हमने इसको स्टार्ट किया पाकिस्तान के अंदर, इसको हम इसमें स्क्लेरोथेरेपीज़ करते हैं। स्क्लेरोथेरेपी के अंदर हमें एक इंजेक्शन होती हैं और उनकी मुख्तलिफ वेन्स को हम उसमें डालते हैं या उनकी लिप्स को डालते हैं और उनके मुँह या लिप्स या उनकी बॉडी के अंदर उनकी स्वेलिंग, पेन और अदर चीज़ें जो होती हैं उनकी डिस्कम्फर्ट ख़त्म होती है। ये तो वो तमाम प्रोसीजर हैं, इसके अलावा बेहतरीन और बहुत सारे हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारे जो जो डॉक्टर शहबाज अहमद काजी जो है, अगर उसके गूगल आप गूगल कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको इस तरह की और भी मालूमात हासिल करनी है तो हमीर लतीफ़ हॉस्पिटल के अंदर भी आप जो है वहाँ पर आप डॉक्टर शहबाज अहमद काजी का नाम आप पूछें, आपको जो है आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपके अपॉइंटमेंट्स के लिए और मैनेजमेंट प्लान के लिए।